बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उससे हमें विश्वास मिलेगा कि अगर इनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो हमारी भी ठीक हो सकती है। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना है। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम विंग कमांडर ओमकार सिंह है। और सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने गुरु चंद्रेश्वर यूनिवर्सिटी से PhD किया और मैंने एयरफोर्स में 30 साल नौकरी किया। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में था इसलिए मेरे को ज़्यादातर मिसाइल, जड़ाव और हेलीकॉप्टर पर काम किया है। और 30 साल की नौकरी करने के बाद मैंने 10 साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया। गुरुद्रोणाचार्य कॉलेज इंजीनियरिंग में काम किया, वहाँ मैं डीन एकेडमिक्स था। और यहाँ से मैंने आना शुरू किया तकरीबन 2 महीने पहले। आई वॉज रिकमेंडेड बाई मई, मेरी वाइफ ने मुझे रिकमेंड किया था। और जो यहाँ आकर के मैंने जो चेंजेस अपने आप में महसूस की है या जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ, पहली बात तो है कि अगर हमें दिल में हमारे किसी भी तरह के शरीर में मसल में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको नॉर्मली इंफ्रारेड रेज देते हैं ताकि मसल में थोड़ा सा रिलीफ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो एक्सरसाइज करते हैं, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी सीडेंट्री सा हो चुका। हम बैठे रहते हैं दफ्तर में, कंप्यूटर के ऊपर रहते हैं, हमारी बैक पर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जो यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो कि हमारी बैक बोन को थोड़ा सा रिलीफ दे। और उसके लिए ये बहुत आइडियल है बिकॉज उसके आपको बैक बोन को काफ़ी एक्सरसाइज मिलती है थ्रू दिस व्हील्स एंड ऑल्सो। और साथ में इंफ्रारेड एनर्जी जाती है, और जो साथ में इंफ्रारेड एनर्जी जाती है, इंफ्रारेड एनर्जी उन फ्रीक्वेंसीज में से है जो कि बॉडी के अंदर किसी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर सके। जैसे मोबाइल की है, मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है दिमाग की दूसरी तरफ भी जा सकती है, सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं जा सकती साइंटिफिक। तो इंफ्रारेड एनर्जी बॉडी के अंदर किसी चीज़ के अंदर भी जा सकती है, इसलिए इंफ्रारेड एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे जो मसल वगैरह को रिलीफ देती है। और एक और प्रोडक्ट जैसे ना मैं रिसेंटली दिखाया है जैसे पानी प्योरीफाई, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वाटर प्योरीफायर, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज का जो हमारा खाना है, जो ज़्यादातर चीज़ें हम खाते हैं सब इस लेके नेचर, एक एप्पल एक ऐसी चीज़ है या ग्रीन वेजिटेबल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन फूड हमें नहीं मिलते, इसके कारण हमारी एसिडिटी बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे को खुद, मैं ज़िंदगी में काफ़ी फिट रहा हूँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आज के तरीके में अबाउट 67-68 ईयर ओल्ड हो गया हूँ, मेरी एसिडिटी बढ़ गई। तो मेरी गलती नहीं है क्योंकि हमारे खाने पीने के स्टाइल के ऊपर है। तो यह जो पानी पिएंगे जो कि हाईली अल्कलाइन है, उससे मेरे को आई एम श्योर मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अमन पार्टी का और मैडम का कि दोनों ने मिल के ये चीज़ स्टार्ट की है। अगर आप देखें, हमें तो वो पंजाबी में फेमस ही सेंग है, वो जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी हम कदर नहीं डालते, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमें लाख रुपये खर्च करना तो बड़ा संभाल के उसको रखेंगे। हमें इस चीज़ का बड़ा फायदा है और हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि तो देखा जाए कि इनका कम से कम अगर तनख्वाह भी मिलाई जाए तो कम से कम 1 महीने का 1 लाख का खर्चा है मिनिमम। और कौन देता है? ये अपनी पॉकेट से दे रहे, अपने अपना 1 लाख रुपया सेक्रीफाइस कर रखा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा अगर हमने बेड का ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, हमने 3 बेड खरीदना चाहते थे, हमारे बेटा USA में रहता है, बेटी कैनेडा में रहती है, उनको इस बेड की जरूरत, इन बेड्स की जरूरत है क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि सारा दिन अपने टेबल पर बैठ के काम करते हैं। पर हम भेज नहीं पाएंगे क्योंकि सर्टन प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हमने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी लेना चाहिए क्योंकि ये कब तक यहाँ हमें सर्विस देंगे? कोई भी सर्विस फ्री में नहीं दी जा सकती, पैसा आना चाहिए तभी इंसान पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी कहाँ तक अपना पैसा खर्च करें? मैं इनकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ये अपनी फीलिंग कन्वे कर रहा हूँ, अपने में क्या कर रहा। इसलिए मैं तो इनको सजेस्ट किया था हमें चार्ज करना चाहिए जो भी है। हम फिर जिम में भी जाते हैं तो महीने का 2-3 हज़ार का मूल्य ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हें फ्री सर्विस देते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड थैंक यू वेरी मच।
अजीब किस चीज़ में आया वो भी बता रहे। ओके, मेरे को जब वी वेरी फ्रेंक, मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को एक ही प्रॉब्लम है वो जो कि मेरा बीपी हाई हो रहता है, वो एज से रिलेटेड है या किसी से रिलेटेड, आई डोंट नो, डॉक्टर वो द बेस्ट, बट मेरे को लग रहा है कि इस थेरेपी लेने से मेरे को उसमें रिलीफ मिल